दोस्तों आज के वीडियो में सीखने वाले एयरटेल कस्टमर केयर से डायरेक्ट कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको वो कॉल डायलर को ओपन कर लेना। यहाँ से जो नंबर डायल करते हैं यहाँ पर डायल करना है 121, यहाँ पर डायल कर देना है दोस्तों, और यहाँ पर कॉल पर क्लिक कर देना है दोस्तों, और देन यहाँ पर सुन सकते हैं दोस्तों। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G। तो दोस्तों सबसे पहले एयरटेल में कॉल लगने के बाद बोलेगा एयरटेल में आपका स्वागत है, उसके बाद बोलेगा ये वो दबाना है। तो क्या क्या दबाना है दोस्तों, तभी आप लोगों को एयरटेल कस्टमर केयर से बात करेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों क्या क्या इंटर करना है। जानकारी के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। तो दोस्तों एयरटेल डिजिटल इस तरह से बोल के 4 बोलेगा तो आपको 1 दबा देना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नवंबर 2000। और दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सपायरिंग डेट कितना MB है ये सब आपको बोलेगा, तो थोड़ा सो आपको ये सुन लेना है दोस्तों। एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाएं, इंटरनेट काम ना करने, सिम खो जाने, कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ होने या SMS भेजने में असमर्थता से संबंधित समस्या की रिपोर्ट कराने के लिए 1 दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस, वैधता, डेटा बैलेंस, थैंक्स रिवॉर्ड, आखिरी कटौती, PUK और अपना मोबाइल नंबर जानने के लिए 2 दबाएं। हेलो ट्यून डू नॉट डिस्टर्ब सेवाओं और रिचार्ज ऑफर जैसे अनलिमिटेड पैक्स और डेटा पैक के लिए 3 दबाएं। अपना नंबर रिचार्ज करने या IVR की भाषा बदलने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर बोलेगा मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं, तो आपको यहाँ पर सिंपल सी 1 आपको इंटर कर देना, आपको याद रखना दोस्तों मुख्य सूची के लिए 8। डेटा सेवाओं या इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ है तो 1 दबाएं। यदि आप कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ है तो 2 दबाएं। SMS से संबंधित समस्या 3 दबाएं। सिम खोने की सूचना देने, सिम बदलने या सिम बदलने का स्टेटस जानने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए जो कस्टमर्स का होता है तो यहाँ पर 9 इंटर कर देना है। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। एयरटेल में आपका स्वागत है, मैं अंजलि आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम यहाँ पर थोड़ा मेरे फोन में नेट स्लो चल रहा है। आपकी क्या सुविधा के लिए लाइन पर बने रहिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। आपको बहुत असुविधा हो रही है, केवल 400 नेट आप चला पाए हैं, कल तक 1371 MB चला पा रहे थे ना? जहाँ से बात कर रहे हो उसी से प्रॉब्लम आ रही है? जी मैम जी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हम इसको चेक करवा ले रहे हैं। मैं आपकी शिकायत दर्ज कर रही हूँ ताकि समस्या आपको आगे ना आए। तो अगर आपके समस्या तो ना हो तो आप इसका कम्प्लेन ऑनलाइन एयरटेल थैंक्स ऐप से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से आपकी कम्प्लेन ले ली है, ठीक है, 23 तारीख को सॉल्व हो जाएगी। और कोई सहायता? नहीं मैम, ठीक है मैम। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितने देर तक ले कस्टमर केयर से मैंने बात किया हूं दोस्तों। तो जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप लोग इसी तरह से बात कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहां पर कॉल को यहां पर एंड कर देता हूं दोस्तों। आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ऑल पर प्रेस कर दीजिए, इसका पैसा थोड़ा लगते हैं दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद दोस्तों।